में कई बार हम तो आ चुके हैं, आप लोगों से मिल भी चुके हैं, और आज हरदोई आने का हमारा उद्देश्य है संडीला विधानसभा की संगठन की समीक्षा। जो अपने पार्टी के नेता हैं उनको हमने विगत 2 महीने पहले यहाँ मैं आया था तो उनको समझा करके बता करके हमने काम देके हम गए थे कि गांव में जाओ और गांव में ये समझाओ कि दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में है। उत्तर प्रदेश में भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में देने के लिए हम संगठन बना रहे हैं और ये संगठन हमारा तैयार हो जाएगा तो हम 2022 में सरकार बनाने की तैयारी में। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार चिल्ला तो खूब रही है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। किसान के घर जब आलू पैदा हो रहा है तो 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहा है, वही आलू जब देश का उद्योगपति खरीद रहा है उस आलू से वो बनाता है चिप्स और वो चिप्स 20 रुपए का 50 ग्राम बेच रहा है, मतलब 400 रुपया किलो हमारा ही आलू हमी को उद्योगपति 5 रुपया किलो खरीद करके 400 रुपया किलो बेच रहा है। तो हम क्यों ना अपनी फैक्ट्री खुद लगा करके हम नौजवानों को इस काम में लगा लें। किसान अनाज गेहूं धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, गेहूं का रेट है 19 रुपया और गेहूं जब उद्योगपति खरीद ले रहा है तो गेहूं से बनाता है चोकर, गेहूं 19 रुपया और चोकर 22 रुपये, गेहूं से बनाता है गेहूं की दलिया 28 रुपया किलो, गेहूं 19 रुपया किलो, गेहूं से बनती है सूजी 26 रुपया 27 रुपये किलो सूजी बिक रही है। ये कारोबार किसान का बेटा भी कर सकता है जो उद्योगपति कर रहा है, सरकार इनको क्यों नहीं इस काम को लगाती है। हम लोग गांव में इस बात को बताकर नौजवानों को बुजुर्गों को पढ़े लिखे को बेरोजगार हैं इन सब कामों में लगा करके उनको हम रोजगार देने की बात गांव में हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि ये चीज हम करना चाहते हैं। आज उठा के देखिए देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं 6,66,000 करोड़ रुपया देश का रुपया इन लोगों ने कर्जा लिया है और सरकार ने इनका कर्जा माफ कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि जो घरेलू बिजली है जो गांव में शहरों में बल्ब और पंखा का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों की घरेलू बिजली का बिल सरकार बनाकर 5 साल लगातार जब तक सरकार रहे 5 साल इनका बिल माफ किया जाए। इस बात का प्रचार हम लोग गांव ग्रामीण इलाके में शहरी इलाके में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर प्रचार प्रसार करा करके संगठन को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर जाएंगे पंजाब या गए होंगे पंजाब में किसान को खेती करने के लिए 5 हॉर्सपावर बिजली फ्री मिलती है और उत्तर प्रदेश में किसान को बिजली फ्री नहीं मिलती है 5 हॉर्सपावर। ऐसा भेदभाव क्यों? देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है,
तो फिर दो तरह का कानून क्यों इस्तेमाल हो रहा है? आप वहीं दिल्ली उठा के देखिए, 210 यूनिट बिजली 70 रुपए में मिलती है, और वही उसटा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 210 यूनिट बिजली 325 रुपए में मिलती है। इस तरह का भेदभाव देश में गरीबों कमजोर लोगों के साथ क्यों, वंचितों के साथ क्यों? इस बात की जानकारी हम लोग अपने संगठन के माध्यम से ग्रामीण इलाके तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को गुमराह करके हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना, ये हम इंसान है उसके बाद हिंदू मुसलमान है, हम भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, हम भाईचारा पैदा करके हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी के लिए लड़े, ये बात हम लोगों को समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग लीडर इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 9 लीडर इकट्ठा हुए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, बाबूराम पाल हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्र उदय पार्टी, राम सागर बिंद हैं, उनकी पार्टी है भारत माता पार्टी, रामकरण कश्यप हैं, उनकी पार्टी है वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान हैं, उनकी पार्टी है जनता क्रांति पार्टी, किशरा पटेल हैं, उनकी पार्टी है अपना दल, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है AIMIM। ये 9 पार्टियों को मिलाकर के हम लोगों ने एक मोर्चा बनाकर प्रदेश में 2022 में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का हम लोगों ने विकल्प बना रहे हैं। अभी तक जो देश में हुआ है, वंचित समाज के लोगों के साथ इनके बीच से लोडर पैदा किए जाते हैं वोट दिलाने के लिए, मालिक की मर्जी से ये काम करते हैं लोडर, वोट तो दिला देते हैं लेकिन जब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी बिजली पानी पुल पुलिया खड़ंजा नाली चक्रोट की बात आती है तो ये लोडर की जबान बंद हो जाती है। इस नाते हम लोग लीडर बनाने की कवायद में हैं। अब आप लोगों की तरफ से कुछ पूछना हुआ, आम आदमी दुखी हुआ और GDP हमारी -23% पे चली गई, वहां भी ये फेल हो गए। देश में एक रोग पैदा हुआ कोरोना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 20 दिन का टाइम तो हम कोरोना का चेन तोड़ देंगे, देश की जनता ने 20 दिन का भी टाइम दिया, 9 महीने हो गया आज भी कोरोना है, तीनों में फेल हो गए। ये कृषि कानून ले आए हैं और कह रहे हैं कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे, किसानों को फ्री कर रहे हैं, हम भी किसान हैं, किसान को अपना अनाज बेचने के लिए कहां रोक थी, कभी रोक थी का? ये किसानों का धन दुगुना करने का जो कानून बना रहे हैं उसके पहले इन्होंने क्या किया? किसानों का धन दुगुना किया, जो यूरिया कांग्रेस की सरकार में 200 रुपए में 50 किलो मिलती थी 5 किलो कम कर दिया, 45 किलो यूरिया 300 में बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं न कि किसानों का हित चाह रहे हैं। 50 किलो की डाई 45 किलो की बोरी हो गई, दाम बढ़ा दिया, उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं। कृषि बिल जो 3 ले आए हैं आप जान जाओ उसके विषय में भी,
अच्छा अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि बिल की प्रतियां फाड़ी, क्या कागज फाड़ने से कानून खत्म हो जाता है? अरविंद केजरीवाल की इस कार्य पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल ने जो किया वो सही किया, हम उनका समर्थन करते हैं। इस नाते करते हैं कि विरोध दर्ज कराने का तरीका है आदमी का अलग अलग। वो चाहते हैं कि अगर देश में किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हाथों ना जाए तो वो फाड़े हैं तो अच्छा किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर देश में आज भी सरकार ने 1863 रुपया धान का रेट तय किया है और किसान धान बेच रहा है 1100, 1200, 1900 में, कौन सा कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए? सरकार का किसान तो यही कह रहा है कि हमारे MRP पे जो आप तय करो, MSP तय करो कि 1863 है, अगर दूसरा कोई लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानून हो, कोर्ट जाने का पावर हो। आप पाबंदी लगा रहे, कोर्ट नहीं जा सकते, हम कानून नहीं बना सकते। अगर वो फाड़ा है इस मामले पर तो सही किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, ओवैसी को बीजेपी को छोड़कर के सभी राजनीतिक दल वोट कटवा बताते हैं, ममता बनर्जी ने तो उन्हें जो है बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था बीजेपी का टिकट लेके लड़ने वाला MLA कोई नहीं मिलता था, ये झोरा में लेके ये भी फार्म घूमते थे और किसी को थमाते थे, लोग फेंक देते थे, नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे। जो काम आज ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वही काम बीजेपी ने किया, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया, 36 दलों को मिलाया, तब दिल्ली में सरकार बनी, तब लोग टिकट मांग रहे हैं, तब सरकार बनी है। ये तो जरूर है कि हम अलग अलग लड़ रहे थे, ओवैसी जी अलग लड़ करके 60,000 वोट पा रहे थे, हम अलग लड़ करके 25,000 पा रहे थे, कुशवाहा जी अलग लड़के 15,000 पा रहे थे, चौहान जी लड़ करके 5,000 पा रहे थे, पाल प्रजापति लड़के अलग पा रहे थे। जब 70 वोट जोड़ा जा रहा है तो 100 में 70 वोट हमारा है, 100 में 70 वोट है। इस नाते सब परेशान है, चाहे ममता दी वहां बंगाल में परेशान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा परेशान हो, चाहे देश में परेशान हो, 18% वोट का मालिक है ओवैसी, इस नाते लोग परेशान हैं। 43% अगर यादव को छोड़ देंगे तो 43% होता है पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का 52% वोट है, 22.5% शेड्यूल कास्ट का वोट है, जोड़ लीजिए काय वोट है भाजपा के पास। अरे एक लहर चली, ठीक है, ये तो आता जाता रहता है। खेल साथ इस वक्त मौजूद है, अभी हाल ही में इन्होंने शिवपाल यादव और असुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है, इसको लेकर के कुछ चर्चाएं हैं राजनीतिक दलों में, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, घबराहट उनको है जो इस वोट को अपनी पपौती समझते थे कि इसी वोट पर वो सियासत करते थे, अब उनकी सियासत जा रही है। अब चाहे ओवैसी जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, चाहे रामसागर बिंद हों, जो भी हमारे मोर्चे में हैं, इनका वोट विभिन्न पार्टियों को जाता रहा, अब वहां जाने की स्थिति में नहीं है, इस नाते लोगों को घबराना। अच्छा, भागीदारी मोर्चा में शामिल करने के लिए क्या आप अखिलेश यादव से भी आप मुलाकात करेंगे? देखिए, अभी तो मैं कल शिवपाल जी से मिला और हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई है, उन्होंने हरी झंडी दिया है और हमसे टाइम मांगा है 15 दिन का, कि और बीच में उन्होंने कहा है कि हम ओवैसी जी से हमारी आपकी वार्ता हो जाए साथ में, तो फिर हम लोग मोर्चे में हम शामिल। हमारा जो मोर्चे का विचार है, सिद्धांत है, सोच है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री, बेरोजगारों को रोजगार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, इस लड़ाई में जो लोग भी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में आना चाहें उनका स्वागत। तो ये थे ओम प्रकाश राज।